कोरोना संक्रमण को मात देने के लिए प्रदेश सरकार बड़े पैमाने पर कोविड का टीकाकरण करा रही है। बुधवार को जनपद के जिला अस्पताल सहित 72 केंद्रों पर कुल 18,046 लोगों का टीकाकरण किया गया, जिसमें 18 से ऊपर के 8,024 लोगों को और 45 साल के ऊपर के 10,022 नागरिकों का टीकाकरण किया गया। टीका लगवाने को लेकर जिला अस्पताल में लोगों में काफी उत्साह देखा गया। जिला महिला अस्पताल में 45 साल के ऊपर के लोगों को कोविडशील्ड और संक्रमण वार्ड में कोवैक्सीन लगाया जा रहा है। इसके अलावा 18 साल के ऊपर वालों का टीकाकरण जिला अस्पताल के MRI विभाग में किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कोरोना का टीकाकरण कराने वाले लोगों तथा CMO डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने कहा, शिवम पति त्रिपाठी बिछिया गोरखपुर से। कल किए थे शाम में। कोई दिक्कत रजिस्ट्रेशन नहीं? वैक्सीन हो गया जी? कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत? मैं कहना यही चाहूँगा कि इसका वैक्सीनेशन करवाएं सभी लोग, और जो अफवाहें हैं, जो गलत अफवाहें हैं उस वैक्सीन के खिलाफ, इससे बचें और वैक्सीनेशन करवाएं। सैयद सिद्दीक हसन जी, रजिस्ट्रेशन कल हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। आज 72 जगहों पर हमारा टीकाकरण हो रहा है, और उसमें से 42 जगहों पर हमारा 18 प्लस के लोगों का टीकाकरण चल रहा है, बाकी जगह पर 45 प्लस के लोगों का टीकाकरण चल रहा है। इधर क्योंकि सेकेंड डोज जो कोविशील्ड का लगता है उसके लिए समय 3 महीने का हो गया है, तो सेकेंड डोज अभी कम लग रहे हैं, अभी ज़्यादातर फर्स्ट डोज ही लगाए जा रहे हैं।